नमस्कार दोस्तों, मैं जेकी सांकला स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा फुटवेयर बिजनेस के बारे में, यानी कि जूते चप्पल के बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँ तो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है और ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। ठीक है, इस जो जूते चप्पल का बिजनेस है ये 1-2 महीने ही ऐसे आते हैं गर्मियों की छुट्टियों में जो स्टूडेंट की होती है उस टाइम में थोड़ा डाउन पड़ता है, बाकी हर महीने ये बिजनेस चलता है। ठीक है, और ये कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस है। और ये जो जूते चप्पल का बिजनेस है ये कभी ख़राब भी नहीं होते हैं, ये जैसा आप खरीदते हो वैसे के वैसे आपके दुकान में रखे रहते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी बिकते हैं तो कोई माल का आपका ख़राब नहीं होगा, सिर्फ आपको आपकी दुकान में सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जूते चप्पल का जो बिजनेस है ये आज की तारीख में एक तरह से फैशनेबल बिजनेस बन गया है। ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था कि सिर्फ अपन पैर को बचाने के लिए जूते चप्पल खरीदते थे कंकर वगैरह से बचने के लिए, लेकिन आज की तारीख में ये अपने ड्रेसअप सेंस के हिसाब से इंसान जूते चप्पल खरीदता है कि वो आपके ड्रेस के ऊपर कपड़े के ऊपर जूते चप्पल जम रहे कि नहीं। ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो व्यक्ति क्या करता है, एक से अधिक जोड़ जूते चप्पल खरीदता है आज की तारीख में देखा जाए तो। ठीक है, तो हर व्यक्ति के पास 3 से 4 जोड़ जूते चप्पल मिलेंगे आपको। तो ये मतलब व्यक्ति हमेशा जूते चप्पल खरीदता रहता है हर 6-7 महीने में। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल टेंशन न लें कि आपके जूते चप्पल बिकेंगे नहीं। शादियों के मौसम में, बारिश के मौसम में अलग अलग साइज के जूते और अलग अलग प्रकार के जूते उपलब्ध कराए जाते हैं। हर साल अलग अलग वैरायटी के जूते चप्पल आते रहते हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ लोकेशन की। तो लोकेशन आपको ऐसी सिलेक्ट करना है जहाँ पर पब्लिक का आना जाना लगा रहता हो। ठीक है, और अच्छा कस्बा हो, या फिर जैसे आप सिटी में खोल रहे हो तो लोकेशन बहुत शानदार होना चाहिए, जैसे कि कोई अच्छा बड़े चौराहा हो गया हो, या फिर आप गाँव में खोल रहे हो तो उधर आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से मायने रखता है कि पब्लिक कितनी है। ठीक है, तो आप पहले जनसंख्या का अवलोकन जरूर करें कि आपके एरिया में पब्लिक कितनी है। अगर पब्लिक ज़्यादा है तो ही खोलें, अगर कम पब्लिक है तो आप उस एरिया में न खोलें। ठीक है, या तो किसी कस्बे में तहसील स्तर पर या फिर जिले स्तर पर आप जरूर खोलें। ठीक है, तो मेनली जो लोकेशन मायने रखती है बहुत ज़्यादा जूते के बिजनेस में, जूते चप्पल के बिजनेस में। ठीक है, तो दोस्तों लोकेशन के बाद अगर मैं बात करूँ अब तो लाइसेंस, तो दोस्तों आपको दुकान शुरू करने से पहले आपको लाइसेंस जरूर लेना पड़ेगा, GST आपको जरूर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये GST इसमें अनिवार्य है, क्योंकि आप जब भी सप्लायर से, किसी बड़े सप्लायर से माल खरीदोगे तो GST उसमें रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, और 100 पैकेट लाइसेंस तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो इससे पहले आप अपना GST के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, और अपना एक फर्म का नाम का, जो भी अपनी दुकान का नाम रखना है उसका नाम का एक खाता खुलवा लें बैंक में, जिससे आपकी लेन देन हो सके। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेंगे और आपको लाइसेंस लगेगा। ठीक है, दुकान शुरू करने से पहले, ताकि आप अपना माल भर सको दुकान के अंदर। ठीक है, तो लाइसेंस की प्रोसेस हो गई। लाइसेंस के बाद अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों जूते चप्पल या फुटवेयर के बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आपको कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि आपको दुकान किराए से लेनी पड़ेगी। ठीक है, कि मैंने बताया पहले कि अगर आप अच्छी लोकेशन लोगे तो अच्छी लोकेशन में आपको किराया भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो किराया पुर जाएगा, क्योंकि आपका जब अच्छी लोकेशन रहेगी तो डेफिनेटली आपका सामान बिकेगा, आपके जूते चप्पल बिकेंगे, आपकी दुकान चलेगी। ठीक है, तो इसलिए लोकेशन का तो चयन आप बहुत सही ढंग से करें और आप अवश्य निश्चित तौर पर आपका माल बिकेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटा आपको एक 200 स्क्वायर फीट की दुकान लेनी पड़ेगी, 150 से 200 स्क्वायर फीट की, ताकि आप अपना सारा माल रख सको उसके अंदर। ठीक है, अब माल में क्या क्या रखाएगा भाई? बच्चों के जूते चप्पल, लेडीज़ के और जेंट्स के। ठीक है, तो आपको तीनों प्रकार के जूते चप्पल रखने पड़ेंगे आपकी दुकान में, तभी जाके आपकी दुकान थोड़ी फेमस और कस्टमर जानने लगेंगे। ठीक है, आपका कोई एक कस्टमर आया वो 3-4 लोगों को बताएगा कि वहाँ पे सारे प्रकार के जूते चप्पल अवेलेबल है, फुटवेयर अवेलेबल है, सारी वैरायटी के अवेलेबल है। ठीक है, तो आपकी दुकान डेफिनेटली बहुत, जो पब्लिसिटी होगी कस्टमर टू कस्टमर वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है,
तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने 2.5 लाख रुपए बताया, उसमें क्या होगा कि आपको 50,000 रुपये तो आपको जो दुकान के फर्नीचर वगैरह में लग जाएंगे, ठीक है, टेबल वगैरह लगाने में, चेयर वगैरह लगाने में कम से कम 50,000 रुपये। उसके अलावा आप जो भी सामान खरीदोगे होलसेलर से, बड़े सप्लायर से, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से, जो भी जूते चप्पल का रहेगा, तो उसमें आपको 2 लाख रुपये तक का आपको शुरुआत में माल रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या रहेगा दोस्तों, अगर आप मैं माल कहाँ से खरीदोगे इसकी अगर मैं बात करूँ, इन्वेस्टमेंट की बात मैंने आपको बता दी है, अब मैं आपको बताता हूँ कि माल आप कहाँ से खरीदोगे। हो सके तो आपके एरिया में बहुत बड़ा कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो तो उससे माल ले लेना, उससे बात कर लेना, और अगर आसपास भी कहीं अच्छा बड़ा शहर हो तो वहाँ पर पूछ लेना कि वो किस रेट में प्रोवाइड कर रहा है पूरा मटेरियल, और आपके शहर में जो भी है सप्लायर होलसेल उससे पूछ लीजिए, तो जो भी सस्ता करे उससे आप माल ले लेना। क्या होता है कि कोई डिफेक्ट माल आया तो आप तुरंत उसको दे सकते हो अगर आपके शहर का ही है, तो ये आपको एक फ़ायदा मिलेगा अगर आप आपके शहर से लोगे, या फिर दूसरी कोई स्टेट से मंगवाना चाहते हो तो वहाँ जाके आपको पहली बार तो मुलाकात करनी ही पड़ेगी, ठीक है भाई। कोई दिल्ली है, पुणे है, बॉम्बे है, यहाँ पर फुटवेयर का क्या पूरा होलसेल मार्केट रहता है, तो अगर वहाँ से संपर्क करना है तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। आप जिस भी जगह रहते हो वहाँ से आपको जाना पड़ेगा और उनसे संपर्क करके आपको आपके एरिया में डलवाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी फुटवेयर आप मंगवाना चाहते हो। आप ब्रांडेड भी रख सकते हो और नॉन ब्रांडेड भी रख सकते हो। ब्रांडेड में आपको कम मार्जिन मिलेगा थोड़ा, और नॉन ब्रांडेड रहेगा उसमें आपको 50 से 60% मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, आप जब आपके संबंध किसी होलसेलर या बड़े व्यापारी से अच्छे हो जाएंगे उसके बाद वो डेफिनेटली आपको उधारी भी दे देगा, ठीक है भाई। आपने उसके साथ 6 महीने 1 साल भर काम कर लिया, उसके बाद आपको उधार भी दे देगा और आपका रोटेशन डेफिनेटली चलता रहेगा। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप क्या है, जूते चप्पल के साथ साथ बेल्ट वगैरह है, पर्स वगैरह है, ये अलग अलग चीज़ें जो इनर वेयर है, तो ये मटेरियल भी रख सकते हो ताकि आपका कम से कम किराया तो दूसरी चीज़ों से ही निकल जाए, ठीक है, आपका जो दुकान का किराया है। बाकी आप जो फ्रूट वगैरह में जो प्रॉफिट कमाओगे वो तो कमा ही रहे हो, ठीक है। तो इसके अलावा भी आप अदर चीज़ भी आप रख सकते हो बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो आपको 2.5 से 3 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको कहाँ से माल मिलेगा ये भी बता दिया मैंने, किसी होलसेलर या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद करता हूँ मैं प्रॉफिट, आपको कितना मार्जिन निकाल सकते हो आप। तो दोस्तों मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत में तो आपको कम रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको कस्टमर बेस बनाना है, आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है ताकि वो आपकी दुकान से माल खरीदे और 4 लोगों को और बताएं कि मैंने वहाँ से माल खरीदा वो सस्ते में मिला, तो आपकी दुकान की भी पब्लिसिटी होगी, आपका भी माल बिकेगा और प्रॉफिट भी रहेगा और आपको मज़े भी आएगा काम करने में। जब आपकी दुकान चल जाए उसके बाद आप थोड़ा मार्जिन और निकालिए, ठीक है, रेट बढ़ा दीजिए और मार्जिन निकालिए जब आपकी दुकान अच्छी खासी चलने लग जाए, तो डेफिनेटली आपको कम से कम नॉन ब्रांडेड जो जूते चप्पल रहेंगे उसमें आपको 50 से 60% तक आप मार्जिन निकाल सकते हो, लेकिन जो ब्रांडेड है उसमें 30 से 40% आप मार्जिन निकाल पाओगे। लेकिन मैं शुरुआत में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब भी दुकान नहीं चालू करो तो उस टाइम आप क्या है ब्रांडेड जूते चप्पल रखो, ठीक है। ब्रांडेड के साथ साथ मतलब 50% आप ब्रांडेड रखो, 50% माल नॉन ब्रांडेड रखो, ठीक है। जिसको भी ब्रांडेड चाहिए उसको ब्रांडेड दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे एरिया में लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार का माल चाहते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू आप बेच सकते हो और थोड़ा आइडिया आपको भी आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट के बाद अगर मैं बात करूँ आपके दुकान की मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग की अगर मतलब मैंने आप प्रॉफिट कैसा रहेगा कि भाई आपने 1 लाख का माल खरीदा वो 2 लाख में बिक जाएगा, क्योंकि सीधा 50% मार्जिन है जूते चप्पल में, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब मार्केटिंग की बात करूँ मैं तो मैंने आपको बताया माउथ पब्लिसिटी, जब भी कस्टमर आएगा उसको अच्छा रिस्पॉन्स दो, तो निश्चित तौर पे आप अगर उसको कन्विंस कर पाए तो आपसे ही माल लेगा, 4 लोगों को और बताएगा, वो 4 और आएंगे, उसके रिश्तेदार आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, वो भी आपसे माल लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एक विजिटिंग कार्ड पेम्पलेट छपा लीजिए, ये उसके थ्रू आप बांट दीजिए तो आपकी दुकान की पब्लिसिटी, एक अच्छा बोर्ड लगा लीजिए, ठीक है, बैनर आपकी दुकान के आगे, जिससे लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये फुटवेयर की दुकान है, ठीक है। और विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे आपकी दुकान के बारे में अपने रिश्तेदारों को दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपका दुकान को लोग जानने लगे, तो निश्चित तौर पे आपकी दुकान चलेगी।
तो दोस्तों मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि कितना इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट होगा, ये आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। मिनिमम कम से कम 50% तो मार्जिन होता ही है जूते चप्पल की दुकान में, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।